बैंकिंग क्षेत्र में जो एक हमारे अधिकारी कार्यरत है उनसे मैं इस मंच से अपील करना चाहता हूँ कि अपने गांव के भाइयों को एनजीओ के रूप में वो सुविधाएं दो जो उनके अधिकारों में बैंकिंग कानून में लिखा हुआ है। जिनको वित्त पोषण करना है वित्त पोषण करना है, जिनको रिलैक्सेशन देना है रिकवरी में तो रिलैक्सेशन देना है। अरे बड़े बड़े खाके भर जाते हैं और गरीब किसानों को आप कुर्की करने के लिए नोटिस जारी करते हो, इससे जाओ बैंक के कर्मचारी अधिकारी को सबक लेकर के जाना चाहिए कि एनजीओ के रूप में जितना फंड धरती का नक्शा बदलते हैं। जय भीम। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में हजारों मील दूर पधारे हुए मेरे एसएससी समाज बंधुओं को भी धन्यवाद करूंगा कि आप लोग यहाँ पे बड़ी कड़ी मेहनत के साथ अपने खून पसीने की कमाई को निछावर करके यहाँ पे पहुंचे हैं और समाज के हक और अधिकार के लिए। और दूसरे मैं धन्यवाद दूंगा मैं रवि प्रकाश मेडा जी सहमति प्रदान की और फिर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी की कार्यकारिणी और फिर राष्ट्रीय समाज के जो विभिन्न संगठन थे उन्होंने मिलकर इसको अमलीजामा पहनाया, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कार्यक्रम होते रहेंगे ज्यादा बैठते रहेंगे लेकिन एक बात ध्यान में हमेशा डाल लो और अभी से डाल लो कि जो ताकत यहाँ इकट्ठी हुई है ना इसको जाना बचाने देना, चाहे कोई सी पार्टी हो कोई सा भी संगठन हो अगर हमें गलत होने देते हैं तो इसी तरह संगठित होकर किसी तरह संगठित होकर अपनी आवाज को बुलंद करो और क्या हम दूर दराज करना पड़े हमें अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। साथियों बहुत सारे वक्ताओं के लिए इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों के बीच में समय नहीं दे पाऊंगा, मेरे इस समाज को लेकर कुछ